टाइगर पटौड़ी क्रिकेटर्स की मानसिकता में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए। देयर वाज ऑलवेज द इशू ऑफ कलर बट बिकॉज ही वाज अ नवाब वो उनको उतना फर्क नहीं पड़ा। एक नई लहर शुरू की आत्मविश्वास की। टाइगर की वजह से बाकी सब क्रिकेटर्स ने भी सोचा कि अरे ये तो सब नॉर्मल लोग हैं, मॉर्टल्स हैं, इनमें कौन सी बड़ी बात है। समय आ चुका था कि कुछ मंथन किया जाए और बदलाव लाया जाए। 1960 में चयनकर्ताओं ने युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की ठान ली। नरी कॉन्ट्रैक्टर को कप्तान बनाया गया। उनकी शुरुआत भी अच्छी रही लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें वेस्टइंडीज दौरे के बीच में सर पर ऐसा जख्म लगा कि उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा। इस स्थिति में 21 वर्षीय उप कप्तान मंसूर अली खान पटौड़ी के हाथ में टीम की कमान सौंपी गई। They've got some pretty big guns with them, and also we haven't done too well. It's a question of rebuilding our confidence and morale. But I reckon that given specific and right conditions for the Indian team, we can certainly do well. पूरे देश में ही हमारा सबसर्वियंस थोड़ा ज्यादा था। बहुत सालों से, हजारों सालों से जो बाहर के लोग आकर यहाँ लूट कर चले गए, दबा कर चले गए, हमारी क्रिकेट भी वही दर्शाती थी। There was always the issue of color, but because he was a Nawab, वो उनको उतना फर्क नहीं पड़ा। भारतीय क्रिकेट का एक पहलू टाइगर पटौड़ी को जल्दी समझ में आ गया था। देश को स्वतंत्र हुए अभी कुछ ही साल हुए थे, सभी खिलाड़ी गुलामी के माहौल में पले बढ़े थे, अधीनता अंदर बस चुकी थी। वो टाइम पे 60s में 50s में हम लोगों के दिमाग में था कि हम लोग इनके बराबर नहीं है, तो नवाब साहब पटौड़ी ने वो पहले तोड़ा कि भाई देखो हम बराबर हैं, ये गोरा है इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे बड़ा है। भारतीय क्रिकेटर्स के मन में ये डाला कि देखो कहीं भी खेल रहे हैं, किसी के साथ भी खेल रहे हैं, कोई भी हो, तो वो फर्स्ट नेम बेसिस है, जिम टोनी इधर आओ। और पहले उनके लोग कहते थे सर मिस्टर सोनसो मिस्टर सोनसो, थोड़ा सा इंडिया में था। टाइगर की वजह से बाकी सब क्रिकेटर्स ने भी सोचा कि अरे ये तो सब नॉर्मल लोग हैं, मॉर्टल्स हैं, इनमें कौन सी बड़ी बात है। सेल्फ रिस्पेक्ट था, बिल्कुल सही बात है, इंग्लैंड में काफी उनका एजुकेशन हुआ था, मगर जिस तरह से वो खुद को कैरी करते थे वो कुछ अलग ही थे, उनका ऑरा ही अलग था। नवाब पटौड़ी द स्किपर, ही कंप्लीटली रेजुविनेटेड द इंडियन टीम and inspired that team to fight back as Indian cricket has never fought before. एक अच्छे लीडर की तरह उन्होंने टीम को जोड़ा, अभिमान से भरा, और इसके फलस्वरूप आने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों का खेलने का अंदाज बदल डाला। He was not cramped by the parochial instincts, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग इंग्लैंड में थी, and he was the first captain. फर्स्ट कैप्टन आई रिपीट, जिसने कि हमें हिंदुस्तानी होने का एक गौरव दिया कि यू शुड टेल अस इन ड्रेसिंग रूम कि देखो भाई हम दिल्ली या महाराष्ट्र या बंगाल तमिलनाडु के साथ के लिए नहीं खेल रहे, हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, थिंक इंडिया। एक नई लहर शुरू की आत्मविश्वास की, खुद दिखा के बाकी देशों के जो क्रिकेटर्स थे, जो रिस्पेक्ट उन्होंने टाइगर पटौड़ी को दिया और जो टाइगर पटौड़ी ने कमांड किया, उसकी वजह से शायद बहुत बड़ा फर्क आया आत्मविश्वास में। टाइगर पटौड़ी वॉज आई थिंक द बेस्ट बेस्ट थिंग दैट माइट हैव हैपेंड टू इंडियन क्रिकेट। टाइगर पटौड़ी क्रिकेटर्स की मानसिकता में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए। अब जब हमारे खिलाड़ी दुनिया के किसी भी मैदान में उतरते थे तो अपने आप को सामने वाली टीम के बराबर मान के चलते थे, और क्यों नहीं, आखिर वो अपने चुने हुए व्यवसाय में देश के सबसे बेहतरीन 11 लोग थे। अब समय आ चुका था कि भारतीय क्रिकेट के अधिकारी भी ये बात समझ लें। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।